भेजना नहीं है बंदा। हाँ अभी हम भी जो है ना थोड़ी देर के बाद जो है निकलेंगे यहाँ से। तो ये देखिए आज जो है घर जा रहे हम, देखो ये गाड़ी हमने लाई है यहाँ पे। तो ये जो बूटे हैं ये सारे आज हमने जो है लेने हैं अपने घर, वहाँ पे क्रेन से जो है इनको चढ़ाया जाएगा। तो आज हम आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे अब्बू भी हैं नीचे, मज़दूर भी हैं दो तीन। और ये हम तो गाइस कुकर में जो है चावल बन रहे हैं और ये नमकीन चाय तैयार हो रही है। तो इसको हमने थर्मोस में डाल के चाय भी लेंगे साथ में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया में होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो गाइस आज है ट्यूसडे और आज छुट्टी है, तो हमने सोचा हम घर जाएंगे, आज कुछ दरख्त लगाने जा रहे हैं। और गाइस अभी हम खड़े हैं गणपत पुल के पास, अब देख सकते हैं नीचे जो है दरियाए चनाब है। और ये नीचे जो एरिया है वो पुल डोडा है, मैं आपको करीबी से दिखाता हूँ। ये देखिए ये पुल डोडा है, यहाँ किसी टाइम जो है 400 घर हुआ करते थे। और ये जो है जम्मू वाला रोड है इस तरफ से, और ये है ऊपर जुनोता। ये देखिए पानी के बिल्कुल करीब यहाँ पे घर हैं, देखिए किश्तियाँ, यहाँ पे बहुत सारे घर होते थे। फिर डैम की वजह से ये सारे घर उठे। ये दरिया जो है बहुत नीचे होता था पहले। और देखिए ये पुल डोडा से डोडा की ओर जो है ये रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। तो गाइस अभी हम खड़े हैं ग्रिड स्टेशन के पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वो जो है ग्रिड है वो यहाँ पर है। और इसमें है हमारा खाना और ये है बाइक। और अभी जो है थोड़ी देर में जो है हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आज बस फाइनली गाइस अभी जो है हम काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं और अभी जो है काफ़ी सफ़र जो है हमें दूर तय करना है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा, यहाँ पे साइड पे चश्मा है और यहाँ से आगे खाली हमें 2 मिनट जो हैं और लगेंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ जो पार इलाका है, इस इलाके में जाना है हमें इस तरफ चली मिलने वाली है। ये पार वाले इलाके में हमें जाना है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ये पार इलाका है। देखिए यहाँ पे हमने जो है दरख्त जो है उतार के रखे हुए हैं, ये देखिए। और ये है भद्रवा का रोड, यहाँ पे हमारी गाड़ी है। तो गाइज मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है नीचे क्रेन है, आपको पार में बंदे दिखाता हूँ। वो देखिए इधर पार जो है बंदे हैं, यहाँ से जो है नीचे से क्रेन लगी है और पार जो है वो बंदे उसको उतार रहे हैं सामान को। तो यहाँ से हम नीचे उतरेंगे तो, मगर रास्ता जो है ख़तरनाक है। अच्छा भेजना नहीं है बंदा। ये देखिए इस पत्थर से बांधी हुई है, ये क्रेन कहते हैं इसको, क्रेन देसी क्रेन। ये देखिए काफ़ी इसमें हाई क्वालिटी के बुलेट लगे हुए हैं, लेकिन बंदा इसके ऊपर से नहीं जा सकता। कि अंकल जी जाएगा बंदा? नहीं ना जा सकता, अटक जाएगा रास्ते ही। ये तो गए हैं इस पर पहले, जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मगर किसको इतना दिल है? अरे तो एक उधर है, ये आई डाउन में, ये इस साइड के लिए भेजना होगा माल में के। अच्छा ज्यादा लोड हो फिर डाउन में ऑटोमेटिकली गुथियां वगैरह आटा भेजना होगा, कुछ भी फिर डाउन में भेजना है। हमने इधर के लिए लिया था ना। अच्छा नीचे के लिए लिया था, क्योंकि ऊपर इतना बड़ा मुश्किल, ये सफर कम हो जाता है। सही बात, यानी भारी आइटम हो तो इसके ऊपर। तो गाइस अभी जो है
हम जो है यहाँ से वापस निकलेंगे तो आगे ऊपर चढ़ेंगे रोड में, फिर जो है एक मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा का सबसे नज़दीक एरिया है, 4 किलोमीटर दूर है डोडा से, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 किलोमीटर दूर। और आज तो गाँव गाँव सड़ गई है। पहला एरिया ऐसा है, इसका नाम है शुआघराट। तो यहाँ पर जो है ना रोड है, बिल्कुल बैकवर्ड से भी बदतर, ना रोड है और ना ही स्कूल है, ना हॉस्पिटल है और ना ही यहाँ पे कोई ब्रिज का इंतज़ाम है। तो पूरे एरिए में जो है कम से कम 200 घर हैं, ये गुजर बस्ती इस एरिए में, जो भी डोडा में दूध वगैरह आता है वो इसी एरिए से आता है ये पूरा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही पता नहीं क्यों बैकवर्ड रखा गया है, यहाँ पे कोई रोड फैसिलिटी नहीं है, काफ़ी हादसे हुए हैं। मैं आपको वो देसी उसको ऐसे तरंगड़ी सिस्टम बनाया है, वो कुछ फट्टे लगाए होते हैं तो उसके ऊपर से, यानी वो हर 3 महीने के बाद जब फ्लड आता है तो वो वहाँ से जो है वो निकल जाता है और फिर पूरे गुजर बस्ती वो आती है, तो खुद ही मेहनत करती है, वो दो लरें जैसी लगाते हैं तो उसके ऊपर से वो चलने की कोशिश करते हैं। अब हो गया, फिलहाल फंस गई, अब इसको खींचना पड़ेगा। इस बार जो है हम कैमरे को जो है उधर ही भेजने वाले हैं। बंद कोशी, अब जो है कैमरा उस तरफ जाने वाला है इसी के साथ, देखते हैं। थकी डाली हुई है, काफ़ी थकावट हो गई और मैं थोड़ा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और इन्होंने जो है काम फारग करके अब जो है हम आगे की ओर जा रहे हैं। अबू भी आगे की ओर जा रहे हैं। आज तक ब्रिज ही नहीं है,